छत्तीसगढ़ में ट्रेडिशन है, इसको अंगोछी बोलते हैं, इसी से स्वागत करते हैं। जय जवाहर। जय जवाहर। छत्तीसगढ़ की कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि जब आप आदिम युग में जाएंगे तो उसके भी अवशेष आपको ककराभाट, बस्तर और बहुत सारे स्थान पर मिल जाते हैं। मतलब मानव सभ्यता के जो प्रतीक हैं, लक्षण हैं, चिन्ह हैं, वे सब छत्तीसगढ़ में मौजूद हैं। लेकिन जब हम पुराणों की ओर जाते हैं, महाभारत की ओर जाते हैं, तो देखते हैं कि रामायण में छत्तीसगढ़ का उल्लेख मिलता है। भगवान राम की माता कौशल्या का मायके है छत्तीसगढ़, इसीलिए इस क्षेत्र को दक्षिण कौशल के नाम से भी जाना जाता है। ये कौशल स्टेट का दक्षिण भाग है। बहुत सारे और भगवान राम के समय के और रामायण कालीन जो प्रतिचिन्ह हैं सांस्कृतिक रूप से, वे मिलते हैं। जैसे तुरतुरिया में आश्रम है वाल्मीकि का, लवकुश के भी यहाँ प्रमाण मिलते हैं, बंटवारे में यहाँ उन्हें मिला था। ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। महाभारत में भी जब हम देखते हैं महाभारतकालीन छत्तीसगढ़ को, तो मोर ध्वज और अनेक पात्रों के यहाँ रिश्ते मिलते हैं। ये तिखुर है जो भी बनाएंगे आप, जो अभी हम लोग बनाएंगे, ये बस्तर में ही मिलता है। मतलब ये कहा जाए कि बहुत ठंडा करता है ये, और ये जड़ है एक पौधे का। साइंटिफिक उसका कुरकुमा एंगस्टिफोलिया है, तो उसका जो जड़ है उसको पाउडर करके पीस के फिर उसको भिगा के रखा। और हम लोग जब फास्ट करते हैं तीजा में, या छत्तीसगढ़ में जितनी भी महिलाएं हैं जब फास्ट करती हैं, एकादशी हो या तीजा हो या और भी जो हमारे त्यौहार आते हैं, तो हम लोग जब फास्ट करते हैं तो हम लोग ये ही खाते हैं, ये फास्ट के लिए उपयोग होता है। लेकिन मेरी जो मम्मी है, और इसको ऐसा कतरा जैसा बनाते हैं बर्फी की तरह बाकी छत्तीसगढ़ में, लेकिन मेरी मम्मी जो है वो इसका खीर बनाती है। मतलब ये मेरे घर का ही समझिए, अलग है बिल्कुल। और आप खाएंगे तो इतना टेस्टी और एकदम ठंडा करता है। ये आपको दिख रहा है थोड़ा सा ना, लेकिन ये हो जाएगा अभी पूरा एक गंज। पहले जो तिखुर आता था एकदम शुद्ध आता था, तो मैंने जैसे दिखाया शुरू में, तिखुर नीचे बैठा हुआ था, पानी ऊपर था। तो पहले हम लोगों को इतना कसैला ये होता था कि 3-4 पानी हमको फेंकना पड़ता था। यानी जैसे ऊपर ये नीचे बैठ गया, ऊपर पानी आ गया, उसको हम फेंक दिए, फिर पानी डाले, फिर इसको मिला लिए, फिर हम रख दिए 1-2 घंटे, फिर वो नीचे बैठ जाता था। तो ऐसा करके उसका कसैलापन हम लोग पहले निकालते थे उसको, और फिर लेकिन अब जो है थोड़ा सा जान रहे हैं अभी थोड़ा सा, तो एक पानी में ही, एक या दो पानी में ही वो फिर इस तरीके से हो जाता है। ये मैं अब शक्कर डाल दूँ इस पर, इस पर इलायची पाउडर डाल दिया, अब इसको कंटिन्यूएशन में हमको चलाते रहना है। बहुत तेजी से गाढ़ा हो गया, जैसे उबलेगा ना तेजी से भिगाना होगा, और फिर थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें पड़ गई हैं, शक्कर भी, इलायची भी, सब। तो गरम सर्व करते हैं? नहीं, इसको ठंडा सर्व करते हैं। अच्छा, अभी चिरौंजी डाल रहे हैं, बिल्कुल जैसे खीर पकाते हैं वैसे ही पक रही है। हाँ, लेकिन बहुत जल्दी बन जाएगा ये, बस ये हो गया, उसे एक उबाल आएगा फिर मैं इसको बंद कर लूँगी, फिर ठंडा कर लेंगे। थैंक यू। तिखुर जो है एक ट्राइबल फूड है, और बस्तर का तिखुर जो है बहुत लोकप्रिय है। लग वैसे नहीं रहा, ठंडी खीर खा रहे हैं। काफ़ी फीलिंग भी है। हाँ, इस आधुनिक छत्तीसगढ़ की ओर आते हैं,
मराठा काल के बाद, मुगलों के समय और फिर अंग्रेजों के बाद। तो छठवीं सातवीं शताब्दी के बाद से ही छत्तीसगढ़ के प्रमाण मिलने शुरू हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ था। नामकरण की छोटी बड़ी अनेक कहानियाँ हैं। इन कहानियों में बहुत सारे पात्र आते हैं और बहुत सारे संदर्भ आते हैं, लेकिन सामान्य रूप से ऐसा कहा जाता है कि इस छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ है। सचमुच में छत्तीसगढ़ गढ़ यानी जमींदारियाँ दो भागों में, 18-18 दो भागों में ये छत्तीसगढ़ विभाजित है। वेगलर जैसा एक अंग्रेज विद्वान लिखता है कि छत्तीसगढ़ के नाम से छत्तीसगढ़ बना और बाहर से 36 परिवार के लोग यहाँ आए और घर बनाकर रहने लगे। ऐसे बहुत सारी कहानियाँ हैं, किंवदंतियाँ हैं, किस्से हैं। इतिहास में बहुत समृद्ध रहा यह छत्तीसगढ़, धीरे धीरे विकसित होता गया, लेकिन इसकी एक खासियत है कि भारत के हृदय स्थल में विराजमान है और भारत का दिल यहाँ धड़कता है। नेक्स्ट डिश जो हम लोग बना रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ का बहुत ही फेमस स्नैक है, नाश्ते के रूप में खाते हैं, फरा बोलते हैं इसको। फरा में चावल आटा और पका हुआ चावल यूज करते हैं और ये कसूरी मेथी है। और कसूरी मेथी, कसूरी मेथी ये हमारे डिशन है। आप फ्रेश मेथी अगर है या फर धनिया, जो ताज़ा धनिया होता है उसको छत्तीसगढ़ में फर धनिया बोलते हैं, आप वो भी ऐड कर सकते हैं, तो फ्लेवर उसमें अच्छा आता है। तो इसका दोनों का आटा बना के फिर उसको स्टीम करते हैं, स्टीम के बाद एक बघार जैसा लगता है, फिर उसको सर्व करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा पका हुआ चावल लेंगे और ये चावल अटका लेंगे बाइंडिंग के लिए। मोस्टली जो सारे डिशेस जो है वो राइस की है, तो स्टार्टर से लेके डेजर्ट तक सब चावल का ही बनता है यहाँ। और छत्तीसगढ़ को राइस बोल ऑफ इंडिया बोलते हैं। हाँ, क्योंकि चावल की जो खेती है बहुत ज़्यादा होती है। आंध्रा को भी मेरे ख्याल से यही बोलते हैं शायद। हाँ, उस तरफ भी है। हाँ, थोड़ा सा कसूरी है। अब थोड़ा सा सरसों तेल हाथ में लेके, छोटा बहुत ही छोटा सा पोर्शन है ये, और उसको ऐसे बाटी की जैसा बनाना है। ये इसका ऑथेंटिक शेप, एंड जो है इस दोनों एंड होगा वो पतला है और बीच में मोटा होगा, इसका ऑथेंटिक ट्रेडिशनल शेप यही है। थोड़ा सा निकालिए उस पर, इतना। हाँ बस, हाँ बस 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 बस, बस, बस। ऐसा ऐसा करना, ऐसा ऐसा। अच्छा, गोल नहीं बनाना पहले? नहीं, गोल नहीं करना है, सीधा सीधा जैसे हम पूजा के लिए बस। हाँ, बहुत बढ़िया, सही फरा एक्सपर्ट। बहुत बढ़िया, बस बहुत बढ़िया। इसको अब 10 से 15 मिनट स्टीम करने के लिए रखेंगे। इसको आप क्या बता रहे थे, कड़ी पत्ता को? यहाँ मीठा नीम बोलते हैं। मीठा नीम। हाँ, और ये स्टीम होने के बाद ये ऐसे देखेगा, अलग अलग हो जाता है ये। अब जो है इस पे तड़का लगाएंगे। सरसों डाल दी, अब सफ़ेद तिल, हम डाल रहे हैं सूखी लाल मिर्च। हाँ। ये गया मीठा नीम। हाँ, आप तो बिल्कुल प्रोफेशनल टॉस कर लेते हैं। तेज आंच पे इसको रखेंगे फ्राई होने के लिए। आप सब जानते हैं तीजन बाई को,
तीजन बाई जो पंडवानी महाभारत की कथा का गायन करती है, उन्हें अनेक पीएचडी और डिलीट की मानद उपाधियाँ मिल चुकी हैं, पद्मश्री पद्मभूषण हैं, और पूरी दुनिया में पंडवानी के माध्यम से छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी को फैला रही हैं, उसकी विशेषताओं को और उसकी जितनी भी खूबियां हैं उसको दुनिया को दिखा रही हैं। ऐसे ही एक लोक नाट्य कलाकार और निर्देशक हुए हबीब तनवीर। हबीब तनवीर लोक नाट्य के मामले में पूरी दुनिया में जाने जाते हैं और अनेक नाटकों को, चरणदास चोर जैसे नाटक, कई नाटकों और कलाकारों को, जो गांव-गांव के कलाकार थे, लोक कलाकार थे, कोई देवार था, कोई कुछ था, इन सब को लेकर उन्होंने अपनी टीम बनाई, नया थिएटर, और पूरी दुनिया में धूम मचाई और छत्तीसगढ़ भारत की सीमाओं से निकलकर पूरी दुनिया में लोकप्रिय हुआ। नेक्स्ट कचरी बना रहे हैं, तो लास्ट ईयर मैं जयपुर गई थी ट्रैवल करने, तो मैंने ये रेसिपी वहीं से सीखी है, वहाँ की रेसिपी है। तो उसके लिए चना दाल को पहले पीसेंगे। चना दाल को पहले आपने भिगो के रखा हुआ है? हाँ, 3-4 घंटे भिगो के रखा है और इसको ज़्यादा मतलब बारीक नहीं पीसते, दरदरा पीसते हैं। तो हमने चना दाल को पीस लिया, साथ में हरी मिर्च भी पीस ली। अब क्या डालेंगे? जो हरी मिर्च वाला है उसको मैं डाल रही हूँ। लहसुन घी की तरह लग रहा है। ये इसलिए भी मैंने ये रेसिपी चुनी कि हर पार्ट, जो छत्तीसगढ़ के हर पार्ट से कोई ना कोई रेसिपी जो है आ सके। तो ये जशपुर की है, नॉर्थन पार्ट से, तिखुर जो था वो साउथ से था। तो ये हुई तैयार हमारी कचड़ी। ये कौन सी चटनी है? टमाटर और धनिया की, और ये जो है ये पटाखा चटनी है लाल मिर्च की। ये आ गया फरा और कचरी। सही बनाया? बिल्कुल क्रिस्प है। तो टमाटर को पताल बोलते हैं? टमाटर को पताल बोलते हैं। कहीं कहीं पे टमाटर को बिलायती बोलते हैं। अच्छा। पताल मिर्चा के चटनी के नाम से यहाँ फेमस है। दिखा तो है। ये बहुत सही बनाया, बिल्कुल क्रिस्प और सॉफ्ट दोनों ही। तो पीढ़ी दर पीढ़ी परंपराओं के साथ हम सहेज कर रखे हुए हैं अपनी इरहड़ कढ़ी को, जिमिकांदा को, डुबकी को, अपने भाजियों को। यहाँ अनेक प्रकार की भाजियाँ हैं। हम तो मानकर चलते हैं कि भाजी में भगवान है, और ये भाजी हमारे जीवन के लिए औषधि का भी काम करती है और आहार का भी काम करती है। इसी छत्तीसगढ़ में एक ऐसी भी भाजी है जिसका नाम है मुस्कैनी भाजी। अगर आप उसे खा लें तो दिन भर मुस्कुराते रहेंगे। ऐसे बहुत सारी भाजियाँ हैं, बहुत सारी सब्जियाँ हैं जो हमारी विशेषताएँ भी हैं। इन खान पान के, रहन सहन के, हमारे आभूषण, हमारे बर्तन, ये सब अपने किस्म के अलग ही विशिष्ट हैं, और ये सब मिलकर छत्तीसगढ़ की पहचान बनते हैं, उसकी अस्मिता बनते हैं, उसका स्वाभिमान बनते हैं। और ये छत्तीसगढ़
रायपुर दुर्ग बिलासपुर की सांस्कृतिक विशेषताओं को नहीं प्रकट करता, बल्कि बस्तर से लेकर सरगुजा और जसपुर से लेकर कवर्धा तक की विशेषताओं को सहजता है और समरस बनाता है। बना रहे इधर कड़ी इधर तो उड़द दाल का पेस्ट, ये उड़द दाल का पेस्ट है, लहसुन, ये लहसुन का पेस्ट डालेंगे हम, नमक, ये नमक, ये मिर्च पाउडर, ये ना धनिया पाउडर, ये हम अच्छे से मिला लेंगे इसको। ये अरबी का पत्ता है, ये इसका दो भाग होता है इसका, ये डार्क साइड, ये लाइट साइड, तो ये लाइट साइड को ऊपर रखना है इसको ऐसा, तो इसके ऊपर हम लोग बोलते हैं लपेटना, है ना, पीछे लगा के लपेटेंगे। ये मिर्च पाउडर है, मैं जनरली सिर्फ दो पत्ते में लपेटती हूँ, कई लोग जैसे हमारे यहाँ मम्मी जो हैं चार पांच पत्ते में लपेटती हैं, तो वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा आता है उसका लेयर। अब ये मैं फोल्ड करते जाऊंगी, काफी अच्छे मात्रा में लगाते हैं, थोड़ा ज्यादा मात्रा, क्योंकि ये कुचई का पत्ता जो रहता है ना, ये थोड़ा खुजलाता है, कुचई जो है थोड़ा सा खुजलाने वाला होगा, तो ये उड़द दाल की पीठी जितने अच्छे से हम लोग लगाएंगे ना, तो ये पत्ते का वो थोड़ा कम हो जाएगा। अब इसको स्टीम किया जाएगा। अब इसको स्टीम करेंगे। ये आ गया बनके तैयार। अब इसको ऐसे छोटे छोटे पीस में काट के, ये देखिए ये ऐसा, इसको फ्राई करेंगे। ये बढ़िया सुनहरे कलर का हो गया, ये लाल लाल। तब कड़ी बना रहे हैं पहले, उसके बाद फिर जो फ्राई किया उसको उसमें डाल देंगे। तो ये खट्टी दही डालते हैं कि खट्टी दही, बासी कढ़ी में बेसन की जो कढ़ी रहती है उसमें बेसन का ही घोल डालते हैं, थोड़ा चिकनाहट दही फटे ना करके, और इसमें उड़द दाल का ही शुरू से हमने यूज़ किया है, तो उड़द दाल का ही घोरन, हम लोग इसको घोरन बोलते हैं, घोरन है ना, बेसन का घोरन, ये उड़द दाल का घोरन, थोड़ा सा उड़द दाल का ये घोरन, और इस पर नमक, नमक डालने के बाद मैं थोड़ा सा लहसुन भी डालती हूँ इसमें, लहसुन का जो पेस्ट है, इसको चलाते रहेंगे जब तक कि उबालना है। ये देखिए अच्छे से उबल गया, अब इस पर हम ये सब डाल देंगे। तो ये इतनी पतली रहती है कंसिस्टेंसी इसकी कि थोड़ा गाढ़ा हो गया। नहीं, नहीं, ये ना अभी आपको ऐसा लग रहा है ना, ये सोक करेगा पूरा, है ना, उसके बाद ये कढ़ी भी गाढ़ी हो जाएगी और इस पर मतलब हम लोग बोलते हैं लपेट लेगा ये पूरा। साबुन, धनिया, चावल, जीरा, लहसुन, सूखी लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च, तो हमको बस बस
ये खुशबू आ गई उसकी। देखिए इसको भी ऐसे ही एकदम लाल लाल बढ़िया फ्राई करना है, इसको भी ऐसे ही खा सकते हैं पकौड़े की तरह। जी मैं कम बिल्कुल डीप फ्राइड हो गया, फ्राई हो गया, कलर भी आ गया इसमें। अब टमाटर प्यूरी डाल देंगे, टमाटर थोड़ा ज़्यादा, ये मसाले वाली सब्जी है। अब ये थोड़ा तेज होने लगेगा टमाटर जब भून के, पानी इसका पूरा सूख जाएगा, तेल हल्का सा छोड़ेगा, फिर इसमें पानी डालेंगे, पानी में जब उबाल आएगा तो जिमी कर डाल देंगे। तो ये सब्जी तेवी झोल वाली होती है, मतलब रस्से वाली होती है। ये सिर्फ अभी एक महीने ही मिलेगी, मतलब रेयर, मतलब बहुत एक्सक्लूसिव है, और सबसे महंगी भाजी, सबसे महंगी भाजी। क्या बोलते हैं इसको? बुहार भाजी, बुहार भाजी। हाँ, बाद में जब ये जो इसका फल दिख रहा है ना, ये इसका फल जब बड़ा हो जाता है तो फिर इसका अचार भी बनता है। अभी ये छोटा छोटा है, अब इसमें इतने सारे फल हैं और ये पत्तियाँ हैं। अब इसको खट्टे में बनाते हैं, थोड़ा सा दही डाल के, चाहे तो इमली डाल के, तो मैं दही के साथ बनाऊँगी इसको। और चना दाल, चना दाल भाजी, थोड़ी सी दही, और फिर उसको सिर्फ लहसुन और मिर्च से बघार देना है। नमक, नमक, हल्दी, ये हल्दी, और ये दही, थोड़ा सा पानी। देखिए चना दाल कितने अच्छे से हो गया। बस अब इसको बघारेंगे 5 मिनट। ये लाल हो जाए अच्छे से, उसके बाद फिर खड़ी लाल मिर्च डाल के, मतलब अपनी भाषा में बोलते हैं छाए से बघार देना। वैसे डालो तो आवाज आती है ना छाए से, जैसे बच्चों को समझाते हैं, सिखाते हैं, जब बच्चे सीखते हैं खाना बनाना, तो जैसे मेरी मम्मी जब सीख रही थी तो मम्मी समझाती थी मेरे को छाए से बघारना, तो मैं इसको सिखाती हूँ कि नहीं छाए से बघारना, मतलब आवाज आनी चाहिए बघार की, और वो खुशबू भी आना चाहिए तेज। जैसा मुझे लग रहा है कि छत्तीसगढ़ भाषा में भी काफ़ी रस है, बहुत बहुत रस है, बहुत मिठास है, और अलग अलग जगहों की छत्तीसगढ़ी अलग अलग है। जैसे 2-3 घंटे के अंतर में ही, 50 किलोमीटर में ही आपको जो बोली है और जो टोन है वो एकदम अलग मिलेगी। रायपुर की जो बोली है वो ठेठ छत्तीसगढ़ी है, ठेठ छत्तीसगढ़ी हम लोग बोलते हैं यहाँ की भाषा को, टू द पॉइंट, मतलब कहाँ जाथस, लठ मारे जैसा बोलते हैं ना, कहाँ जाथस, कहाँ से आथस, खाबे, जैसे भूख लग रही है तो खाबे, तो आपको मन है तो आप बोलोगे हाँ खाऊंगा, मतलब यहाँ बोलते ही ऐसा है, यहाँ की बोली ऐसी। और रायगढ़ में भी ऐसी ही भाषा बात करते हैं, जैसे यहाँ पे मामा और भांजा का जो है ना, जैसे बोलते हैं कि राम भगवान, कौशल्या माता हमारे छत्तीसगढ़ की हैं, है ना, तो ननिहाल है राम भगवान का, तो इसलिए यहाँ पे भांजों को मानने की बहुत ज़्यादा परंपरा है, मतलब मामा लोग भांजों को बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो पैर पड़ेंगे सबसे पहली बात तो भांजों का पैर पड़ते हैं मामा लोग, और बहुत ज़्यादा आदर और सम्मान देते हैं। तो कैसे जी भांचा, ऐसे बात करते हैं। तो ये जो टोन है हमारे रायगढ़ की तरफ, हमारे बिलासपुर की तरफ ऐसे, और यहाँ पे सम्मान जरूर देंगे, पैर जरूर पड़ेंगे, कहाँ जाते हैं भांचा, ऐसा है। तो बस वो थोड़ा सा टोन में अंतर है, यहाँ की रायपुर की जो छत्तीसगढ़ी है वो ठेठ छत्तीसगढ़ी है, और जो बिलासपुर और रायगढ़ में बोली जाती है वो सॉफ्ट है, तहजीब वाली है। ये तैयार हो गया, ये तैयार हो गया। यहाँ अनेक पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं
आप जब श्रीपुर, जो हमारी प्राचीन राजधानी थी, जो आजकल श्रीपुर कही जाती है, वहाँ जाएं तो देखेंगे कि एक ही जगह पर आपको बौद्ध, शैव, शाक्त और जैन धर्म, चारों के अवशेष एक ही जगह पर मिलना इस बात को प्रमाणित करता है कि प्रारंभ से 6वीं-7वीं शताब्दी से ही छत्तीसगढ़ में सामाजिक समरसता थी और विभिन्न धर्म के लोग एक साथ रहते थे, निवास करते थे। वेदों में जिस वसुधैव कुटुंबकम की बात की गई है उसका पूरा प्रमाण आपको छत्तीसगढ़ में दिखाई देगा। और 17वीं शताब्दी में आप देखते हैं कि गुरु घासीदास नाम के एक ऐसे संत होते हैं जो छत्तीसगढ़ी में सतनाम पंथ के संदेशों को, उपदेशों को फैलाते हैं और जो नारा देते हैं वो नारा आज ग्लोबलाइजेशन में, वैश्वीकरण में प्रमुख नारा है और वो है मनखे मनखे एक बरोबर, अर्थात सभी मनुष्य एक हैं। आज हम बात करते हैं कि पूरी दुनिया गांव हो गई है, हमारे यहाँ तो पहले से ये मौजूद है। इस प्रकार हम आधुनिक होते छत्तीसगढ़ को देखते हैं और जब 2000 में आते हैं तो ये छत्तीसगढ़ एक राज्य के रूप में निर्मित होता है। लेकिन विशेषता इसकी ये है, खान पान और रहन सहन के कारण और यहाँ के वातावरण के कारण, कि भारत का एक ऐसा राज्य है जो बिना किसी खून खराबे, बिना किसी लड़ाई झगड़े, बिना किसी हिंसक आंदोलन से निर्मित हुआ है और पूरी के पूरी राज्य की धारणा और उसका आंदोलन एक सांस्कृतिक आंदोलन, साहित्यिक आंदोलन के रूप में हमारे सामने आया। ये एक ऐसा छत्तीसगढ़ राज्य है जो 2000 के बाद बनते ही अपने पैरों पर चलने लगा। ये रखिया परी है, उड़द दाल और रखिए जो इंग्लिश में एश गॉड बोलते हैं। अच्छा। अच्छा, हल्का सा फ्राई करना है। इसको छील के रखा है, काट के छील के ये खाने लाल लाल मुझे फ्राई करके इसको कर लेंगे। अब डेजर्ट एक्सपर्ट, स्नैक्स और डेजर्ट एक्सपर्ट कीती हैं। तो पहले दूध को जो थोड़ा ऑट जाए उबालने के लिए रखेंगे, उसमें शक्कर। ऑट जाए मतलब उबल जाए, ऑट जाए मतलब गाढ़ा हो जाए। गाढ़ा हो जाए। हाँ। इसके लिए पहले चावल काट लेंगे दूध फारा के लिए, थोड़ा सा इलायची। चावल के आटे को गूंद के इसका नूडल्स बना लिया। हाँ, है और वो दूध में उबाल लिया। बस अभी दूध फरा, छूना नहीं है, उसको छुएंगे तो वो फैल जाएगा, उसको पकने देना है, उसी में पक के अलग अलग हो जाएगा। हाँ, ऐसे स्टीम करते हैं वैसे बॉईल। कोई पुराने टाइम पे हमारे पास कोई साधन तो होता नहीं था, सिर्फ चावल होता था, दूध होता था। तो जैसे त्योहार मनाना है या कोई घर में आया मेहमान तो आपको उसको कुछ मीठा खिलाना है, तो ये सारी चीजें पुराने समय से चली आ रही हैं। जो घर में अवेलेबल है उससे कैसे हम डेजर्ट बना सकते हैं, कैसे हम मेहमानों का स्वागत कर सकते हैं, तो देखिए ये कितना सरल है।
कि छत्तीसगढ़ ही छत्तीसगढ़ की राज्य की राजभाषा बन चुकी है। यहाँ अनेक साहित्यकार हैं, समृद्ध साहित्य है हमारे पास छत्तीसगढ़ी का और हिंदी का। हिंदी के हर युग में हमने दखल दी है। भारत में जब आप हिंदी कहानी की बात करेंगे तो और उसके इतिहास में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हिंदी की पहली कहानियों में जिन कहानियों का नाम आता है उसमें हिंदी की पहली कहानी टोकरी भर मिट्टी छत्तीसगढ़ में लिखी गई है, जो जनवरी 1900 में पेंड्रा में लिखी गई, जिसका प्रकाशन छत्तीसगढ़ मित्र में हुआ था, जो पंडित माधवराव सप्रे उस कहानी के लेखक थे और पत्रिका के संपादक थे। इसी तरह जब उपन्यास की बात करते हैं, नावल की, हिंदी नावल की बात करते हैं, तो आरंभिक 3-4 उपन्यासों में जो फैंटेसी, जो कल्पना तत्व पर लिखा गया उपन्यास है, वो श्यामा स्वप्न उपन्यास 1876 के आसपास सूर्य नारायण में लिखा गया था, जो इसी छत्तीसगढ़ में है। इसी छत्तीसगढ़ में सरस्वती के संपादक रहे पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। इसी छत्तीसगढ़ में आलोचना और समीक्षा की बात हुई। इसी छत्तीसगढ़ में छंद शास्त्र लिखा गया। इसी छत्तीसगढ़ में कालिदास के नाट्यशाला का प्रमाण रामगढ़ और की गुफाओं में मिलता है। इसी छत्तीसगढ़ में आप सबको देखने को मिलेगा कि इतना सुंदर जंगल, इतना सुंदर अभयारण्य, इतने सुंदर पशु पक्षी हैं। यहाँ की मैना बोलती है, गाती है। हम आज इस आधुनिक छत्तीसगढ़ में हैं और इस आधुनिक छत्तीसगढ़ में लगातार हम विकास की ओर बाट जो रहे हैं। आप जो देखते हैं कि भौतिक रूप से कितना विकसित आपको यह राज्य दिखाई देता है मात्र 20 वर्षों में, जो और हमारे साथ जो नए राज्य बने हैं उन राज्यों में इतनी तेज़ी से विकास नहीं हुआ। हाँ, चौंसेला बना रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले ये चावल का आटा, थोड़ा सा गेहूं का आटा मैं मिलाती हूँ इसमें, जिसमें ये थोड़ा सा बॉन्डिंग इसकी हो पाए सही से। जीरा, नया चावल जब रहता है, नया चावल जब पीस के आता है उससे जब चौंसेला बनाते हैं तो उसमें गेहूं के आटे की जरूरत नहीं होती, वो थोड़ा सा लस रहता है। लेकिन जैसे ही चावल पुराना हो जाता है तो फिर वो ऐसा नहीं होता बॉन्ड, तो फिर उसके लिए गेहूं का आटा हम लोगों को थोड़ा सा मिलाना पड़ता है। कितने तसल्ली बख्श और इतने शौक से आपने ये डिशेस बनाई है। बहुत अच्छी सी खटास भी है इसमें थोड़ी। टमाटर ज़्यादा पड़ता है इसमें। आप ऐसे उठाइए, ऐसे उठाइए और ऐसे उठा के ऐसे खाइए, तो इसका जो रस है ना वो एकदम जाएगा, एकदम आनंद। इसको ऐसे खाना। अब्बर सुंदर। सबसे अच्छी बात है मतलब इस पूरे खाने में प्याज का बिल्कुल प्रयोग नहीं किया आपने। प्याज नहीं, बिल्कुल उससे मिलता है उतना स्वाद है जो सहजन के फूल होता है। और सभी के सभी डिशेज में, ऑलमोस्ट सब में चावल का प्रयोग है। हमारे यहाँ बहुत सारी प्रकार की वड़ी बनाते हैं हम लोग, सिर्फ रखिया नहीं। रखिया, उसके बाद वो जो लौकी का एक लौकी आने, वो जो लंबी वाली लौकी आती है, इसके अलावा गोल वाली भी आती है जिसको हम लोग तुमा बोलते हैं। तो हम लोग रखिया बड़ी, तुमा बड़ी, उसके बाद खट्टी में भी हम लोग बड़ी बनाते हैं, तो जो कुमड़ा आता है कुमड़े की बड़ी बनाते हैं, मूली
मूली की बड़ी बनाते हैं, ये सब खट्टे में पड़ती है। जिमीकान के उससे भी स्टेम से भी पोंगा बरी बोलते हैं, पोंगा बरी बोलते हैं। उसके बाद फिर हम लोग छोटे बरी भी बनाते हैं जो एकदम छोटी छोटी, सिर्फ उड़द दाल की छोटी छोटी बड़ी रहती है, वो भाजी के साथ हम लोग बनाते हैं। तो इस तरीके से बरी बड़ियों के भी बहुत सारे प्रकार हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। आपको अच्छा लग रहा है? बहुत स्वादिष्ट। हम सब पूरी दुनिया में जाने जाते हैं सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया करके। हमारी सामाजिक समरसता, हमारा भोलापन, हमारी सहनशीलता, हमारा समन्वयपन, हमारा अतिथि सत्कार हमें दूसरों से बढ़िया बनाता है, तभी हमें दूसरे कहते हैं कि हम सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया हैं। धन्यवाद। ये जो है ये दूध सारा रेसिपी अभी हमने देखी, ये छींट का लड्डू है। छींट का लड्डू? हाँ। बेसन का ही होता है? बेसन का होता है, उसके अंदर स्टफिंग होती है आटे की, और मोस्टली शादी में बनता है, जोरन बोलते हैं इसको, बहुत बड़े साइज का बनता है शादी में, इतने बड़े साइज का लड्डू। ये पीड़िया है, ये भी चावल से बना है, चावल को दही और घी के साथ भिगा के फिर उसकी सेव बनाते हैं। सेव बनाने के बाद उसको पीस के उसका आटा फिर शक्कर के साथ पाक के बनाते हैं। ये भी बड़ा कठिन है, आसानी से नहीं बनता वो। और ये पबजी है, ताई के बालू साई। अच्छा। अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है, बाहर से एकदम क्रंची। हमारे यहाँ जैसे शादी होती है ना, तो जैसे बहू आती है तो बहू के घर से जोरन आता है, तो उस जोरन में 51 लड्डू, 51 पिड़िया, मतलब अपनी क्षमता के अनुसार, कोई 21, कोई 11, कोई 51, कोई 101, तो इतना बड़ा बड़ा लड्डू बनता है। ये छींट का लड्डू, और उसके अंदर सिक्का रहता है, 10 रुपये का सिक्का या जो भी 5 रुपये का सिक्का, इस तरीके से। और वो हमारे यहाँ काला हंडा या जो ये जो ड्रम है उस पर पूरे ऐसे लड्डू को फिर पूरा सा पैक करके वो जोरन बोलते हैं कि बहू के यहाँ से। तो जो लोग भी बहू देखने आते हैं उनको ये खिलाया जाता है कि ये बहू के मायके से जोरन आया है, और सबको देते भी हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं उनके घर पहुँचता है कि बहू के यहाँ का इस तरीके का है। और छींट इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो जो बूंदी है देखिए बहुत छोटी साइज की है, उसको बारीक बनाते हैं, तो इसलिए उसको छींट का लड्डू कहा जाता है। ये मुझे लग रहा है ऐसे मीठी मट्ठी। हाँ बस बस वैसे खस्ता और मीठा। ये कैसे लग रहा है तेरी? ये भी बिल्कुल मुंह में जाके घुल जा रहा है। छोटी सी भेंट है छत्तीसगढ़ी कल्चर। थैंक यू। इसका विमोचन सर करेंगे। आप कीजिए। चलिए। अरे वाह, थैंक यू सो मच। दिल्ली फूड बॉक्स। ये ट्राइबल आर्ट है छत्तीसगढ़ का, बहुत ही फेमस, डोकरा आर्ट बोलते हैं इसको। चलिए, थैंक यू क्रिएटिविटी। और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे से आप लोगों ने पेशेंटली एक एक डिशेज हमें बना के दिखाया, और बहुत ही उम्दा जायका भी दिलाया। तो आप पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू हमारी तरफ से भी, अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के लिए। आपने मौका दिया हम लोगों को, हम लोग बहुत आभारी हैं। जय जोहार। जय जोहार। जय छत्तीसगढ़। जय छत्तीसगढ़।